कृषि उत्पन्न बाजार समिति में 400 से 500 जानवर शुक्रवार को जो बाजार लगती उसमें आए। शेतकरियों ने जो जानवर यहाँ बेचना था वो बेचकर चले गए। उसके बाद जो है हम इलीगल जो जानवर पे पाबंदी है उसकी कुर्बानी या उसको कत्ल करने के बिल्कुल खिलाफ है, मगर जो जानवर शेतकरी बेच के गए और शेतकरी लेना चाहते तो वो जानवरों को बाजार समिति ने पूरा ब्लॉक कर दी। उनके जो सारे दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए, मेन दरवाजे पे पुलिस वाले आकर बैठ गए और उनको पावती बना के नहीं दी जा रही है। हम वही बाजार समिति के जिम्मेदारान से एक दरख्वास्त करने आए थे कि आप जो है जो शेतकरी है उसको बेचने की जो लेने की परमिशन दो और पावती बना के दो, मगर सारे कायदे लेने के बाद ही जब यहाँ बाजार समिति में शेतकरी बेच के गए उस वक्त सारे कायदे का पालन नहीं किया गया। उस वक्त उन शेतकरियों को ये नहीं बोला गया कि आप जिसको बेच रहे हो वो शेतकरी है क्या, उसके कागजात देख लो, उसके पास पुलिस पाटिल का परमिशन है क्या वो देख लो, ये सारी बातें नहीं बोली गई। इसमें हो सकता है कुछ शेतकरियों का हेतु कत्ल के इरादे से बेचने का हो। अगर ऐसा हेतु लेकर जो शेतकरी बाजार समिति में बेचने के लिए आए हैं और उनके नाम मिलेंगे तो उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई होंगी। कुछ लोगों की इस शहर में या पुलिस डिपार्टमेंट की ये समझ है कि सिर्फ जानवर लेना इलीगल तरीके से यही गुनाह है, ऐसा नहीं है। कायदा जो 2015 का महाराष्ट्र सरकार का है वो सीधा है कि पहला गुनाह तो बेचने वाले पे, कि अगर इलीगल कोई या कत्ल के इरादे से जानवर बेच रहा है तो पहला गुनाह उस पर दाखिल होना चाहिए, उसके बाद लेने वाले का सवाल आएगा। ये सारे मामलात को समझने के बाद हमने ये कहा है कि अगर कोई शेतकरी ले के जाना चाहता बाजार समिति में तो आप उसको पावती दो और वो बाजार समिति कमेटी से यहाँ से जानवर ले जा सके। अगर उसका इरादा कुछ गलत हुआ या गलत तरीका इसने कायदे के खिलाफ काम किया तो कायदा अपना काम करे, मगर जो ब्लॉक कर दिया गया बाजार समिति को और किसी को जानवर नहीं ले जाने दिया जा रहा है, ये तरीका बराबर नहीं है। और अगर यही तरीका रहा तो त्यौहार ख़त्म होने के बाद फिर हमको भी मालेगांव शहर में कृषि समिति के ताल्लुक से मालेगांव शहरियान को बैठकर वहां की दीनी समाजी सियासी तंजीमों को बैठकर इस पर गौर करना चाहिए कि कुछ लोगों को अगर शेतकरी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो सिर्फ उनका इरादा यह है कि वो फ़ायदा पहुंचा दें और दूसरे लोग उसमें जिनके आज करोड़ों रुपये फंस गए उनके ताल्लुक से ये समिति नहीं सोच रही है, व्यापारियों के ताल्लुक से नहीं सोच रही है। उसमें फिर जानवर वाले व्यापारी हो कि तुम्हारा सब्जी फल वाले व्यापारी हो, सबको बैठ कर इस समिति के बारे में सोचना चाहिए। अगर समिति जैसा शेतकरी के साथ सहयोग करती है वैसा ही सहयोग समिति का काम है कि व्यापारियों के साथ भी करें।